वैसे दोस्तों ऑनर ने अपना नया फोन निकाला था, ऑनर प्ले, काफी ज्यादा कमाल का फोन था वो। 20 से 22 हजार रुपए के प्राइस में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें वो लेकर के आया था, क्रीम का प्रोसेसर लेकर के आया था, काफी ज्यादा हिट गया था वो वाला फोन। और अपना ऑनर दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है फिर से, जिसका नाम है ऑनर 9X और 9X Pro। काफी ज्यादा कमाल फोन होने वाले हैं ये, मैं आपको बता दूं। ये फोन चीन में लॉन्च कर दिए गए हैं, इंडिया में आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस है और इंडिया में ये कितने प्राइस पर देखने को मिलेंगे और कब देखने को मिलेंगे, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ऑनर 9X और 9X Pro में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ चीजों का अंतर है, कैमरे का अंतर है और इसके रैम और रोम का अंतर है, बाकी सारी चीजें सिमिलर दी गई है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे ऑनर 9X की डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले मिल जाती है वो 6.59 इंच की फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले मिल जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये डिस्प्ले आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती है। वैसे सारी कंपनियां फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ नहीं आ रही है, वो एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रही है। आई थिंक मुझे लगता है ऑनर को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और अपने स्मार्टफोन को एमोलेड डिस्प्ले के साथ लॉन्च करना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ऑनर की एमोलेड डिस्प्ले के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको क्रीम का 810 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। ये प्रोसेसर काफी ज्यादा हैवी प्रोसेसर है क्वालकॉम के 730 प्रोसेसर से, तो मतलब क्या है, इसमें आपका पबजी का या कुछ भी आप खेलते हैं मोबाइल बहुत ज्यादा स्मूथ चलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको प्रोसेसर अच्छा देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, और हाँ ऑल वाले पे क्लिक कर रहे हैं जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 6.59 इंच की फुल HD डिस्प्ले दी गई है तो बैटरी भी बड़ी होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो आपको बैटरी देखने को मिल जाती है वो 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। मैं आपको बता दूं ये मोबाइल आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, पहला आएगा 4GB 64GB के साथ आएगा, एक और आएगा 6GB 64GB के साथ आएगा, और एक और आपका दिया गया वो 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। तीनों ही वेरिएंट मिल रहे हैं आपको, आप जो प्रेफर करना चाहे वो प्रेफर कर सकेंगे। फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग इसके कैमरे के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको बैक में 2 कैमरे देखने को मिल रहे हैं, फ्रंट में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल रहा है। बैक की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपको 48+2 मेगापिक्सल के 2 कैमरे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप वाला कैमरा देखने को मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, पॉपअप का तो ट्रेंड ही बन गया, जैसे कुछ टाइम पहले ट्रेंड बन गया था 48 मेगापिक्सल का, जो कि रेडमी का नोट 7 प्रो आया था उसमें आपको सबसे पहले 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला था। उसके बाद तो सारे फोन जो भी आ रहे हैं वो 48 मेगापिक्सल के साथ ही आ रहे हैं। अब तो ये कि एक Redmi का फोन एक और आने वाला है जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। जब भी आएगा मैं आपको उसके बारे में जरूर से बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपके मेरे चैनल को कनेक्टेड रहना पड़ेगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अगेन कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फाइनली बात करेंगे हम लोग इसकी प्राइस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसका बेस वेरियंट 4GB 64GB की जो प्राइस रहने वाली है वो 13,999 रुपए रहने वाली है। वही इसके 6GB 64GB की जो प्राइस रहने वाली है वो 16,000 रुपए रहने वाली है। और एक और लास्ट वेरिएंट जो 8GB 128GB दिया गया उसकी जो प्राइस रहने वाली है वो रहने वाली है 19,000 रुपए के आसपास। तो प्राइस भी कहीं ना कहीं एग्रेसिव रखी गई है, अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ऑनर 9X Pro के बारे में, इसमें आपको क्या कुछ चेंजिंग देखने को मिल रही है। इसमें भी आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिल रही है 6.59 इंच की, बैटरी भी वही आपको 4000 mAh की देखने को मिल रही है, प्रोसेसर भी आपको सेम देखने को मिलेगा क्रीम का 810 प्रोसेसर। इसमें अगर मैं वेरिएंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिल रहा है, वो आपका आ रहा है 8GB 128GB के साथ आ रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो बिगेस्ट चेंजिंग है वो सिर्फ इसके दी गई कैमरे के बारे में, बैक में इसमें आपको 3 कैमरे देखने को मिल रहे हैं, उसमें ऑनर 9X में सिर्फ और सिर्फ 2 मिल रहे हैं, 9X Pro में 3 कैमरे देखने को मिल रहे हैं। पहला आपका आएगा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा आपका 8 मेगापिक्सल का, और तीसरा जो आपका आएगा वो 2 मेगापिक्सल का आएगा। फ्रंट कैमरे में कोई भी चेंज नहीं की गई है, 16 मेगापिक्सल का वही पॉपअप वाला कैमरा आपको देखने को मिल रहा है।
तो ओवरऑल कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैमरे का चेंजिंग है, बाकी सारी चीजें सेम दी गई है। और एक चीज और बता दूं जो इसमें आपको डिफरेंट देखने को मिल रही है, और ये चीज दोनों ही फोन में देखने को मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना ही आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेगा और ना ही आपको बैक में देखने को मिलेगा। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो साइड में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन होते हैं। एक फोन और आया था सैमसंग का आया था, उसमें भी आपको सेम यही चीजें देखने को मिली थी और इस फोन में भी आपको यही देखने को मिल रहा है। वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा कि आपको सबसे अच्छा कौन सा फिंगरप्रिंट लगता है, डिस्प्ले वाला या बैक वाला या ये स्लाइडिंग वाला, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। 9X और 9X Pro में जो सबसे बड़ा बिगेस्ट चेंजिंग देखा गया वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे को लेकर के देखा गया है। तो देखते हैं कि कितना प्राइस को लेकर के डिफरेंट है। तो अगर मैं 9X Pro की प्राइस की बात करूं तो इसका जो बेस वेरिएंट 8GB और 28GB वाला जो है, इसकी जो प्राइस है वो 22,000 रुपये रहने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब एक कैमरा आपका एक्स्ट्रा हो गया है जो कि आपका 8 मेगापिक्सल का हुआ है, उसकी वजह से आपके पूरे के पूरे 8,000 रुपये बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको 14,000 रुपये का मिल रहा है और यहाँ पे आपको 22,000 रुपये का मिल रहा है। हाँ मुझे पता है थोड़ा सा रैम का भी अंतर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता अगर आपका जो है प्रोसेसर दोनों में सेम दिया गया है। तो दोस्तों ये थे फोन जो आपको ऑनर की तरफ से बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूँ ये इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे वो अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये चाइना में पहले से ही लॉन्च कर दिए गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पहले जो फोन होते थे वो चाइना में लॉन्च होने के बाद काफी दिनों के बाद इंडियन मार्केट में आते थे, लेकिन अब हार्डली 1 मंथ लगता है, 1 मंथ के अंडर इंडिया में आ जाते हैं। तो इसीलिए ये फोन आपको अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर से हिट करना। मैं मिलता हूं आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।